नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र में अभिसार शर्मा। न्यूज चक्र में आज दो मुद्दे और दोनों बतला रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के दो गठबंधन संकट में हैं। और ये कहा जा सकता है कि बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के गठबंधन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। दूसरी तरफ 40 दिन होने को आए और महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल अपनी जगह पर नहीं, वहां के ब्यूरोक्रेट्स सरकार चला रहे हैं और इसको लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बाकायदा एक आदेश जारी करना पड़ा है ताकि ब्यूरोक्रेट्स वहां की सरकार चलाएं। कितनी अजीबोगरीब बात है कि देश की आर्थिक नब्ज महाराष्ट्र और वहां पर मंत्री नहीं, ब्यूरोक्रेट सरकार चला रहे हैं। वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच, क्योंकि खबरों की इन्हीं गहराइयों में छिपा है राजनीति का असली खेल। न्यूज चक्र खबर की गहराइयों को टटोलता है। मगर सबसे पहले दोस्तों, मैं बिहार की बात करना चाहता हूं। बिहार के अंदर जबरदस्त उलटफेर होने वाला है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सांसदों और विधायकों की एक बैठक बुलाई है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन पर विचार किया जाएगा। और बात यहां नहीं रुकती है। आपके स्क्रीन पर यह है राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, जो कि जेडीयू प्रमुख हैं। ललन सिंह ने कोई बहुत बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के खिलाफ दो साजिशें रची गई। अब तक उन्होंने बीजेपी का नाम नहीं लिया है। पहला उन्होंने कहा कि चिराग पासवान को उनके खिलाफ खड़ा किया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि नीतीश कुमार की सीटें 43 तक आ गईं विधानसभा के अंदर। दूसरी बात, आरसीपी सिंह जो कि जेडीयू के नेता हुआ करते थे, उन्हें मंत्री बनाया जा रहा था बगैर नीतीश कुमार की इजाजत के, और इसी को चलते संबंध बद से बदतर होते जा रहे हैं। बात यहां नहीं रुकती है दोस्तों, यह भी बतलाया जा रहा है कि किस तरह से नीतीश कुमार के लिए बार बार रोड़े अटकाए जा रहे हैं। जी हां, चाहे विधानसभा के स्पीकर हों या लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बयानबाजी, उसको लेकर जेडीयू में नाराजगी है। और बड़ा प्रश्न ये कि क्या ऐसे में बिहार के अंदर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, दैनिक भास्कर ने बाकायदा बताया कि अगले दो दिन जो है वो बैठकों का दौर है और उसमें अहम बातें सामने उभर कर आ सकती हैं। अखबार क्या कहता है आपके स्क्रीन पर, बिहार की राजनीति में अगले दो दिन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। बड़े सियासी उलटफेर होने की संभावना जतलाई जा रही है। एनडीए सरकार में उठापटक को लेकर कहा जा रहा है कि जेडीयू ने 11 अगस्त को अपने सभी सांसदों और विधायकों को पटना बुलाया है। आरजेडी भी इसी नक्शे कदम पर है, उसने अपनी सभी विधायकों को उसी दिन पटना में रहने के लिए निर्देश दिए हैं। हाल में चल रहे घटनाक्रम भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। अखबार आगे यह भी कहता है कि नीतीश कुमार लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ दूरी बना रहे हैं। और यह क्या कहता है अखबार, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इसका पहला कारण लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बीजेपी नेताओं से दूरी बनाना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों केंद्र के बीजेपी नेताओं से एक बड़ी दूरी बना ली है, जबकि सीएम लोकल स्तर पर कार्यक्रमों में शामिल तो हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी नेताओं से खुलकर ना तो बात कर रहे हैं और ना ही उनसे मिल रहे हैं। अमूमन नीतीश कुमार अपने आसपास बैठे नेताओं से बातचीत करते रहते हैं, लेकिन रविवार को दो कार्यक्रमों में शामिल नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से नजर बचाते दिखाई दिए। और इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल दोस्तों, नीति आयोग की बैठक जो कि रविवार को हुई, नीतीश कुमार इसमें शामिल नहीं हुए, जबकि आप जानते हैं इस बैठक में ममता बनर्जी तक शामिल हुई, मगर नीतीश कुमार इसमें शामिल नहीं हुए। ये तमाम चीजें हैं जिसे खारिज नहीं किया जा सकता है। और अफसोस की बात है कि दैनिक भास्कर या एनडीटीवी जैसे चैनल्स को छोड़कर कोई इसकी चर्चा नहीं कर रहा है। इस बीच तेजस्वी यादव भी लगातार उग्र हो रहे हैं दोस्तों। तेजस्वी यादव कई मुद्दों पर सरकार को घेर रहे हैं। आपके सामने एक एक करके चार तस्वीरें देखिए। यह है तेजस्वी यादव का रोड शो और आप देख सकते हैं उन्हें किस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है। जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है यहां पर। और तेजस्वी यादव क्या कहते हैं,
आज महागठबंधन द्वारा आहूत महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रतिरोध मार्च का नेतृत्व किया, इसके समर्थन में उमड़ा अप्रत्याशित जन सैलाब सरकार के विरुद्ध जबरदस्त आक्रोश का घोतक है। हमने आसमानी मुद्दों से इतर हमेशा से जन सरोकार के मुद्दों की लड़ाई लड़ी है और लड़ते रहेंगे। और आगे क्या कहते हैं वो, केवल पटना जिले में ही महंगाई, अग्निपथ और बेरोजगारी से त्रस्त लाखों लोगों ने मार्च में हिस्सा लिया, अपने आक्रोश को जाहिर किया। जनता ने जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ाई ठान ली है। तस्वीरें दोस्तों इसकी बानगी है कि इस वक्त तेजस्वी यादव को किस तरह का प्रदर्शन, किस तरह का समर्थन जो है वो लोगों से मिल रहा है। इस चीज की तरफ नीतीश कुमार की निगाह भी है। जी हां, नीतीश कुमार भी जानते हैं कि वो अपनी राजनीति के ऐसे दौर पर आ गए हैं जहां उनके लिए आगे बढ़ना अब मुश्किल होता जा रहा है, और उनके सामने भारतीय जनता पार्टी की मिसाल है कि बीजेपी किस तरह से अपने पुरानी सहयोगियों को राजनीतिक तौर पर खत्म कर देती है। अकाली दल, शिवसेना जो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है, यानी कि बाला साहब ठाकरे के बेटे के पास ही उनकी पार्टी नहीं रही, जेडीयू को भी कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा है। और ये जो तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं, ये जो खबरें सामने उभर कर आ रही हैं जिसमें दोनों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, वो इस बात का प्रमाण है। दोस्तों इस वक्त मगर आपके जहन में सबसे बड़ा सवाल होगा कि आखिर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में तनाव क्यों है। एनडीटीवी के मनीष कुमार ने अपनी एक रिपोर्ट में बाकायदा उन पांच कारणों को गिनाया है जिसकी मैं चर्चा आपके सामने करना चाहूंगा। कारण नंबर एक, नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा को हटा दिया जाए। मुख्यमंत्री ने विजय कुमार सिन्हा पर कई बार अपना आपा खोया है, मैंने आपको कुछ देर पहले बताया। विधानसभा अध्यक्ष एक बहुत कारण है जो कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच तनाव का सबब बना हुआ है। मुद्दा नंबर दो आपकी स्क्रीन पर, नीतीश कुमार अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड को जून 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार में केवल एक ही मंत्री पद की पेशकश की बात से भी नाराज हुए थे। दोस्तों नतीजा यह हुआ कि चूंकि मोदी सरकार ने एक ही मंत्री पद की पेशकश की थी कि नीतीश कुमार ने कह दिया था कि हम सरकार में शामिल नहीं हो रहे हैं, और यही वजह है कि आरसीपी सिंह का बगैर इजाजत लिए एनडीए में शामिल होना जो है, या उनकी सरकार में बतौर मंत्री शामिल होना, एक जबरदस्त तनाव का सबब बन गई है। और यही वजह है कि जेडीयू इस मुद्दे को लेकर न सिर्फ आरसीपी सिंह बल्कि बीजेपी पर भी हमला बोल रही है। कारण नंबर तीन, जेडीयू प्रमुख राज्य और राष्ट्रीय चुनाव एक साथ कराने के खिलाफ हैं। राज्यों और संसद के चुनाव एक साथ कराने का विचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। आप जानते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी चुनाव एक साथ कराना चाहते हैं, इसके खिलाफ जेडीयू है। यानी कि लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ ना कराए जाएं, उन्हें फैलाकर किया जाए। कारण नंबर चार, सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल में भाजपा के मंत्रियों के चयन में एक बड़ा हिस्सा चाहते हैं। सूत्रों ने कहा कि हालांकि यह कदम गृहमंत्री अमित शाह की बिहार पर पकड़ को कमजोर करेगा जिससे उनके करीबी के रूप में देखा जाता है। और इसके साथ कारण नंबर पांच, नीतीश कुमार भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा सहयोगियों को केंद्रीय मंत्रियों के रूप में सांकेतिक प्रतिनिधित्व की पेशकश पर गठबंधन सहयोगी से भी नाराज हैं, और उसका प्रमाण आरसीपी सिंह। ये विवाद इतना बड़ा हो गया कि आरसीपी सिंह को न सिर्फ पार्टी से बाहर का रास्ता दिखलाया गया बल्कि अब उनके खिलाफ नालंदा में जमीन और संपत्ति को लेकर भ्रष्टाचार का केस भी दर्ज किया जा रहा है। और इसीलिए मैंने अपने इस कार्यक्रम में पूछा कि क्या बिहार में सियासत एक बार फिर करवट बदलने वाली है, क्या वाकई इसमें उल्टी गिनती शुरू हो गई है इस गठबंधन की। हमें इंतजार करना पड़ेगा और आपको लगातार मेरे इस मंच पर मेरे साथ बने रहना पड़ेगा, क्योंकि बिहार की सियासत की पल पल की जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। तो ये तो बात हो गई बिहार की दोस्तों, अब हम बात करना चाहते हैं महाराष्ट्र की। दोस्तों आप सब जानते हैं कि महाराष्ट्र इस देश की आर्थिक नब्ज है,
40 दिन होने को आ रहे हैं, वहां मंत्रिमंडल तक नहीं बनाया गया है। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हर 2 या 3 दिन में दिल्ली भागते रहते हैं, यहां पर अमित शाह जेपी नड्डा से मिलते रहते हैं, देवेंद्र फडणवीस बार बार ये जतला रहे हैं कि डेप्यूटी सीएम होने के बावजूद उनका पूरा कंट्रोल है। और आप जानते हैं अब महाराष्ट्र सरकार को एक आदेश जारी करना पड़ा है जिसके अंतर्गत अब वहां के ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो सरकार चलाएंगे, क्योंकि देश की जो आर्थिक नब्ज है वहां पर सरकार इस तरह से खुली थोड़ी ना छोड़ी जा सकती है। खबर क्या है दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मंत्रिमंडल विस्तार टलने की वजह से मंत्रियों के अधिकार सचिवों को मिले, सीएम शिंदे ने दिया आदेश। खबर क्या कहती है, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस को शपथ लिए हुए 37 दिन गुजर चुके हैं, अब करीब 38, लेकिन अब तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पाया है। जब तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो जाता तब तक जनता से जुड़े काम ना रुकें, इसलिए सीएम एकनाथ शिंदे ने सभी विभागों के मंत्रियों के अधिकार और दायित्व संबंधित विभागों के सेक्रेटरी को सौंप दिए हैं। अब सभी विभागों के संबंधित सचिव मंत्रियों की तरह उस विभाग से जुड़े फैसले लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। और शिवसेना ने दोस्तों इस पर करारा हमला बोला है। पार्टी की जो सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी, वो क्या कह रही हैं, ऐसा तब होता है जब आप जल्दबाजी में बगावत कर देते हैं और बाद में उसका पश्चाताप करते हैं। बहुत दुखद है कि महाराष्ट्र में अब तक सरकार तक अपनी जगह पर नहीं है, वहां कोई सरकार नहीं है, सीएम और डेप्यूटी सीएम दिल्ली से काम कर रहे हैं और नौकरशाह जो हैं वो काम कर रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी आगे कहती हैं, इस सर्कस में आपका स्वागत है। ये तमाम मुद्दे हैं दोस्तों जिससे भारतीय जनता पार्टी मुंह नहीं मोड़ सकती, क्योंकि देखिए हुआ क्या, एक सरकार चल रही थी, आपने ईडी के दबाव से उस सरकार को गिरा दिया, क्योंकि आप जानते हैं एकनाथ शिंदे पर दबाव है, इसके अलावा उनकी सरकार में ऐसे कई विधायक हैं जिन पर ईडी लगातार दबाव बना रही थी, अब वो केसेस गायब हो गए। उनमें से कई विधायक कहते हैं कि भाई कम से कम हम रात को चैन की नींद सो पाते हैं। तो ईडी के दबाव के चलते, प्रवर्तन निदेशालय के दबाव के चलते आपने सरकार को तो गिरा दिया। अब शिवसेना का जो है वो अपने अस्तित्व की लड़ाई भी लड़ रही है। बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं उद्धव ठाकरे, मगर आप जानते हैं कि पार्टी की कमान उनके हाथ में नहीं है, वो अब चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं कि भैया असली शिवसेना किसके पास है। अब भारतीय जनता पार्टी ने यह सब तो कर दिया है मगर मंत्रिमंडल तक का विस्तार नहीं हुआ। इससे पता चलता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी की नजर में सत्ता हासिल करना ज्यादा महत्वपूर्ण है, शासन जरूरी नहीं है। प्रमाण महाराष्ट्र है। तो न्यूज चक्र में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।